हेलो गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आए हैं, वर्ल्ड ऑफ वैली, यानी कि संसार के जो प्रमुख घाटियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बी रिलेटेड UPPSC, UPSC, GIC, TGT, PGT एंड NET, JRF के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सभी जो मेरे बहन भाई हैं उनको मेरी तरफ से, सभी के लिए, जितने व्यूवर्स हैं, मेरे भारतवासी हैं, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आपके लिए आज का दिन शुभ हो और नई नई सौगात लेके आए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। और हमारा टॉपिक है क्या कि वर्ल्ड ऑफ वैली, यानी कि वैली का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, तो वैली जो है, यानी कि भ्रंश क्या है, भ्रंश घाटी कैसे कहते हैं, तो भ्रंश कितने प्रकार का होता है। एक भ्रंश, यानी कि आपका भ्रंश वैली जो है, आप भ्रंश घाटी है, इस तरह से रैंप वैली बनती है, ब्लॉक माउंटेन बनता है, इसी से हॉर्स माउंटेन्स बनते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो रिफ्ट वैली है, तो रिफ्ट वैली समझेंगे कि इसका जो विकास होता है दो भ्रंश रेखाओं के बीच होता है, यानी दो हमारी भ्रंश रेखा जो होती हैं उनके बीच होता है। तो आप समझ सकते हैं, इस मैप में देख सकते हैं कि आपका इस तरह से ये वैली आपको ये दिखाई दे रही है, इस तरह से वी आकृति, यानी वी शेप ली हुई है, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या है, एक तनाव बल के कारण हो रहा है, यानी कि आपको ये वाली प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है और बीच का भाग क्या है, इसमें धस गया है और यहाँ से कोई भी नदी क्या है प्रभावित भी होती है। क्लियर? तो ये गहरा सा क्या है, गहरी होती चली जाती है, लंबी होती चली जाती है। इसे जर्मनी भाषा में, इसे अगर देखें तो इसे जर्मन भाषा में, एक मिनट इसको बताता हूँ कि इसे जो हमारे जो जर्मन भाषा है, इस जर्मन भाषा में, यानी कि जर्मन भाषा में इसे ग्रोवेन कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेवन कहलाते हैं। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद क्या है, जॉर्डन की सबसे प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है, यानी कि जॉर्डन की आपकी सबसे प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है। इसकी जो लंबाई है 5000 किलोमीटर विस्तृत है, जो कि न्यासा, रोडोल्फ, टेगानिका, एलवर्ड, एडवर्ड झील हैं वहाँ पर। तो आप इस तरह से अगर मैप में देखेंगे तो इस तरह से ये आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप है और इस तरह से ये अफ्रीका महाद्वीप में ये इस तरह से फैला हुआ है। और ये आपको क्या है, विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील से इस तरह से एक नदी निकलती है, इसका नदी का नाम है नील नदी। फिर यहाँ से क्या है, रस्सी सूडान है, और यहाँ से एक आती है वाइट नील है, और ये ब्लू नील है, और ये आकर के खातू में मिलती हैं। तो यहीं पर आपका जो पड़ता है वो है आपका न्यासा है, माल्डोवा है, ये न्यासा झील है, माल्डोवा झील है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टेगानिका झील है, आगे ऊपर जाएंगे टेगानिका झील है, एलवर्ड है, एडवर्ड, ये सारी झीलें यहाँ पर स्थित हैं। और ये अगर इसके नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि हमारे एक विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि यहाँ पर एक अमेरिका का क्षेत्र है, इस तरह से देखेंगे ये अमेरिका वाला क्षेत्र है, इस तरह से ये फैला हुआ है। एक मिनट आप बनाता हूँ, ये अमेरिका और ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, ये क्या है, कैलिफोर्निया है। और इस कैलिफोर्निया में आपको यहाँ पर ये मृतक घाटी मिलेगी, कौन सी है, मृतक घाटी है, यानी कि इसे कहते हैं डेथ वैली। इस डेथ वैली का निर्माण भी इसी क्या है, इसी तनाव मूलक से हुआ है। तो इस तरह से ये घाटी है, स्कॉटलैंड में मिलती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्पेंसर घाटी में मिलती है, नर्मदा आपको देखें, भारत में प्रवेश देते हैं तो नर्मदा है, दामोदर घाटी है, भ्रंश घाटी है, इस तरह से, और इसी में क्या नदियाँ भी प्रभावित होती हैं। साथ ही क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से ये आपका एक खड़ा हुआ है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि ये पूरा एक क्षेत्र है, इस तरह से ये देखेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ से क्या है, कोई नदी आती है और इस तरह से बहती है, तो ये वाला पूरा क्या है, तनाव मूलक, यानी कि इसके इस तरह से ये प्लेट जा रही है, एक इधर प्लेट जा रही है, तो इससे ही बनता है। और यहीं पर देखते हैं कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर हमारा जो रैंप घाटी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो रैंप जो घाटी होती है आपकी, वन मिनट, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रैंप घाटी है, यानी कि जो रैंप वैली बनती है, और रैंप वैली का जो निर्माण होता है वो आपकी क्या है, दो भ्रंश, यानी कि आपके जो दो भ्रंश है उसका निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश जो रेखाओं के बीच के जो स्तंभ जो यथास्थित रहता है, यानी कि ये वाला स्तंभ है, यानी ये देखेंगे वन मिनट, तो ये वाला स्तंभ का यथास्थिति में रहे, ये वाला सेम यही बना रहे, और ये बीच वाला भाग क्या है, यहाँ से नीचे को धस जाता है, इससे एक यहाँ पर एक बल लगता है, कौन सा, संपीड़ित फोर्स लगता है, ठीक है ना, ये संपीड़ित फोर्स लगता है। तो ऊपर भाग तो यूँ खड़ा रह जाता है और नीचे बीच दोनों के साइड पर भाग नीचे धस जाते हैं। तो इस तरह से क्या रैंप वैली का निर्माण होता है, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप वैली में क्या है प्रभावित होती है। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक माउंटेन, यानी कि ब्लॉक माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन आपके, ब्लॉक माउंटेन है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जब दो भ्रंश के बीच का जो स्तंभ होता है, यानी दो भ्रंश जो है उसके बीच में
हमारा जो स्तंभ है, दो भ्रंश हैं और दो भ्रंशों के बीच में जो हमारा स्तंभ होता है, और उन स्तंभ के बीच में क्या है हमारे, आप समझ सकते हैं कि इसमें एक जो पर्वतों के बीच में क्या है, इसमें धसाव होता है और ब्लैक बीच में, इस वजह से ये वाला, ये आप देख रहे पा रहे होंगे इस तरह से, ये वाला क्षेत्र है और ये क्या है, इसमें क्या है, ये धसाव हो जाता है, ये धस जाता है, ठीक है ना। और ये चारों तरफ जो क्या है पहाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से क्या है एक ब्लॉक पर्वत के निर्माण से, यानी ब्लॉक वहाँ चारों तरफ से घेर लेता है। तो इस तरह से इंडिया में जो है वो सतपुड़ा पर्वत है और जर्मनी में ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अच्छे के आपको बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। और वहीं पर हौस पर्वत का निर्माण होता है, तो हौस पर्वत का निर्माण से तात्पर्य दो भ्रंशों किनारे का स्तंभ यथावत रह जाता है और इसके बीच का जो स्तंभ है, इसके जो बीच का जो स्तंभ होता है, जिस तरह से मैं आपको समझाऊँ, तो यहाँ पर क्या है हमारे जो ये कह रहा है, इसका निर्माण जब होता है दो भ्रंशों किनारे का स्तंभ क्या है यथावत रहता है, यानी कि भ्रंश का जो होता है वो यथावत रहता है। ये वाला वन मिनट, इसमें देखेंगे कि ये इस तरह से ये वाला क्षेत्र है, इस तरह से ये तो यथावत रह जाते हैं ये वाले, और ये बीच वाला जो भाग है, ये वाला आपका तो सेम खड़ा रह गया और बीच वाला भाग है इसमें धस जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि हौस पर्वत का निर्माण होता है, दरार घाटी बन जाती है, इस रैंप घाट देखने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, लेकिन इस प्रकार के ब्लॉक पर्वत और हौस पर्वत के देखने को पाए जाते हैं, ऐसे भूहस्खलन से अलग अलग परिस्थितियाँ परिणाम पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्तों इस तरह से यहाँ पर क्या है ये टॉपिक है, और काफ़ी हमने आपको किसी प्रोसेस बता दिया किस तरह से ये तैयार होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी घाटियाँ हैं विश्व प्रपेक्ष में, तो विश्व प्रपेक्ष में देखेंगे यहाँ पर जो घाटी है, पहली जो घाटी है इसमें हमारी पहली है आपकी पड़ती है कहाँ पर, लोयर घाटी। लोयर घाटी फ्रांस में स्थित है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो बस आपको यूपीपीसीएस पीसीएस से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बांदा घाटी इंडोनेशिया में है। चितवन जो है घाटी है आपकी नेपाल में स्थित है। काठमांडू भी घाटी कहाँ है, नेपाल में स्थित है। सेक्रेट घाटी आपकी पेरू पड़ती है, सेक्रेट घाटी। और चुम्बा घाटी आपकी है भारत और भूटान के बीच स्थित है। और रेविट घाटी है वो आपकी, रेविट घाटी कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और प्लीजेंट घाटी आपकी है यूएसए में पड़ती है, और ग्रेंट घाटी आपकी यूएसए में पाई जाती है। साथ ही क्लियर हो गया होगा, यानी कि 10 आपके 9 यहाँ देखेंगे तो लोगों से, लोयर घाटी कहाँ है फ्रांस में है, बादा घाटी कहाँ पर इंडोनेशिया में, चितवंद घाटी कहाँ है नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है, सेक्रेट घाटी कहाँ है पेरू में, सेक्रेट जो काम होते हैं, सीक्रेट जो काम होते हैं वो सब पेरू में होते हैं, चुम्बी घाटी भारत और भूटान के बीच स्थित है, और रेविट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और बेलीजेंट घाटी है वो कहाँ पर है यूएसए में, और ग्रेट फ्रेंड यूएसए में पड़ती है, दोनों घाटी यूएसए में पड़ती हैं। फिर आपको आता है 10 से लेकर के 20 तक आते हैं, करेंगे 10 हैं, तो यहाँ पर हमारा ये है ब्लैक, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला क्षेत्र है आपका ब्लैक बोर्ड घाटी है, यानी कि ब्लैक बोर्ड जो घाटी है वो आपकी पड़ती है कहाँ पर, आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। किंग घाटी है, किंग वैली है वो ऑस्ट्रेलिया में है। बोल गन घाटी है वो ऑस्ट्रेलिया में है। एब्रो घाटी है वो आपकी स्पेन में है। हम्बर घाटी है आपकी कनाडा में पड़ती है। पो घाटी यह इटली में है। पो नदी यहाँ की, यहाँ की इटली की पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, जिस तरह से हमारे भारत में गंगा को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। मृतक घाटी है आपकी डेथ वैली है, वो यूएसए कैलिफोर्निया में है। पंजशीर घाटी है वो अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन घाटी है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। और टेलर घाटी है वो अंटार्कटिका में स्थित है। और राजाओं की घाटी है वो मिस्र में है। तो ये बताइए कि भारत के आपको सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है, सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो आप भारत में बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से ये टॉपिक था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बड़ा ही मज़ेदार है। कुछ नहीं है इसमें से, ये क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा इसको तैयार कर लिया तो, कुछ भी नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।